हाई एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन इन योर हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क क्लास 11th के NCERT, और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 8 जो कि है लोकल गवर्नमेंट्स। सो अगर आपका वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो वाई लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक केस लेते हैं एक सरपंच का। तो गीता राठौर एक सरपंच है मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, ग्राम पंचायत है वो, ठीक है। उनको 1995 में रिजर्व सीट से इलेक्ट किया गया था और उनका काम इतना अच्छा था कि 2000 में फिर से उनको इलेक्ट कर लिया गया था। जब वो पंचायत थी तो उन्होंने जो है अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करते हुए वाटर टैंक्स बनाए, स्कूल बिल्डिंग्स बनाई, अवेयरनेस फैलाए लोगों में कि एफॉरेस्टेशन कितना ज़रूरी है, और इस हिसाब से बहुत सारे काम किए विलेज लेवल पे। तो विलेज लेवल पे इस तरह का डेवलपमेंट देखने के लिए सरपंच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिला है। मतलब कि लोकल गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विलेज एंड सिटीज़ को डेवलप करने में। तो ये जो आप केस देख सकते हैं, ये 1993 में जब ये कह सकते हैं अमेंडमेंट आया और लोकल गवर्नमेंट पे इतना फोकस पड़ा, तब से ये चेंजेस और ज़्यादा वैल्यू रखने लगा है पूरे इंडिया में। तो लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेमोक्रेसी को ज़्यादा पार्टिसिपेटिव बनाता है, ज़्यादा अकाउंटेबल बनाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो होता है विलेज लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब क्योंकि लोकल है तो लोकल से आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा पास हो गई है लोकल पीपल के। अब जब ये लोकल पीपल के पास होगा तो ऑब्वियस ही बात है उनकी कंडीशंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो लोकल गवर्नमेंट विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, सबसे ज़्यादा क्लोज होता है कॉमन पीपल के। कॉमन पीपल के क्लोज होता है इसलिए इनको लोकल नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से पता होता है और इससे वो सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो कि होता है डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स का। तो ये हो गया लोकल गवर्नमेंट। लोकल मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं ये लोगों के, विलेज लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और क्योंकि क्लोज रहते हैं तो ये डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझ सकते हैं और इससे जो है डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। अगर हम लोग बात करें ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया के बारे में, तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ बहुत पहले से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। पहले उसको सभास बोलते थे, मतलब कि विलेज असेंबलीज जहाँ पे लोग मिलकर डिस्कस करते थे। फिर पंचायत है जो कि होते थे ग्रुप ऑफ फाइव पीपल, ठीक है, एक असेंबली होती थी फाइव पीपल के, और वो लोग जो है अपने विलेज का डेवलपमेंट के बारे में देखते थे। जो पंचायत का रोल और फंक्शन है वो टाइम के टाइम जो है आप कह सकते हो बदलता रहा है। फिर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो उसमें हर इंडिया के हर प्रोविंस में जो है लोकल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और ये कंटिन्यू रहा 1935 के एक्ट के बाद भी। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर जो है डेमोक्रेसी को और ज़्यादा जो है इस्टैब्लिश करना है, डिसेंट्रलाइजेशन पर और ज़्यादा फोकस करना है, तो इन लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया था तो लोकल गवर्नमेंट का जो काम है वो स्टेट्स को दे दिया गया था, ठीक है। और ये इसलिए दिया गया था क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से बहुत ज़रूरी था कि स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन हो कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कि ज़्यादा फोकस जो है लोकल गवर्नमेंट पे नहीं, ज़्यादा फोकस मतलब यूनियन गवर्नमेंट पे दिया गया था। और इसके बाद ये भी था कि अगर हम लोग जो है ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट्स बना देंगे तो क्योंकि इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है तो वहाँ पर क्या होगा कि कास्टिज्म आ जाएगा और बहुत सारा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए जो है उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया था। ऐसा नहीं था कि पीपल्स पार्टिसिपेशन या लोकल गवर्नमेंट के सब खिलाफ थे, लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा माहौल था कि अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते थे कि यूनिटी हो, मतलब यूनियन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाद में जाके चेंजेस हो सकते हैं। तो शुरू में हमेशा से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्योंकि पार्टीशन की वजह से थोड़ा यूनिटरी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और क्योंकि थोड़ा हमारा कल्चर ज़्यादा है तो इसलिए बोला गया था कि अभी यूनियन पे ध्यान देते हैं, बाद में लोकल गवर्नमेंट पे आया जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। बहुत सारे प्रोविंस में जो है लोकल गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट भी हो गया था इंडिपेंडेंस से पहले, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया तो लोकल गवर्नमेंट पर उतना फोकस नहीं दिया गया था, यूनियन पर ज़्यादा फोकस दिया गया था। और अब हम लोग ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया जब हो गया और जब फंक्शनिंग प्रॉपर होने लगी तो उसके बाद क्या स्टैंडर्ड लोकल गवर्नमेंट का। तो कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम इन 1952,
ये जो है लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। तो उन्होंने क्या किया कि 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, इसको रिकमेंड करने बोला रूरल एरियाज में, मतलब गांव में 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उन्होंने जो इसको जो है अपना लिया 1960 तक, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स थे उनके जो लोकल बॉडीज थे उनके पास पावर्स नहीं था, उनके पास फंक्शन नहीं था, उनके पास ज़्यादा फंड्स भी नहीं था काम करने के लिए। तो ये बाद में जाके ख़त्म हो गया। फिर 1987 में क्या हुआ कि एक रिव्यू किया गया इन सारे इंस्टीट्यूशंस का, मतलब लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का रिव्यू किया गया। और 1989 में पीके ठंगन कमेटी ने जो है रिकमेंड किया कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इनके बारे में। तो उन्होंने ये बोला कि इस तरह का अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि इन लोकल इलेक्शंस में जो है सही, सॉरी, लोकल गवर्नमेंट में सही तरीके से इलेक्शंस हो, इनको प्रॉपर फंडिंग मिले, इनको प्रॉपर जो है फंक्शंस मिले, तब जाके सही तरीके से हो पाएगा। ये 1989 में पीके ठंगन कमेटी ने रिकमेंड किया। पहले क्या हो रहा था, क्योंकि उनके पास फंक्शंस नहीं थे, फंडिंग्स नहीं थे, तो सही तरीके से चल नहीं पा रही थी। तो इस बार जो है पीके ठंगन कमेटी ने क्या किया कि रिकमेंड किया कि इनका पीरियोडिक इलेक्शंस करवाइए, इनको प्रॉपर फंडिंग दीजिए, इनको अप्रोप्रिएट फंक्शंस दीजिए, तब जाके ये काम करेगा। अब जब 1989 में कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था। इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का एम यही था कि लोकल गवर्नमेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करना और इस तरह का यूनिफॉर्मिटी लाना कि पूरे कंट्री में इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा ही हो। फिर 1992 में जो है ये जो अमेंडमेंट्स है इसको पास कर दिया गया था और 73rd एंड 74th अमेंडमेंट इनको माना गया था। 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग रूरल लोकल गवर्नमेंट्स, मतलब पंचायती राज जो है एस्टैब्लिश हुआ था, और 74th के अकॉर्डिंग नगर पालिका, मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो 73rd में रूरल के लिए पंचायती राज एंड 74th अमेंडमेंट में अर्बन के लिए नगर पालिका, ये दोनों जो है अमेंडमेंट्स पास हुए थे 1992 में। अब जो 1992 में पास हुए थे ये स्टार्ट हुआ था 1993 में, जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आए थे ये पास हुए थे 92 में एंड फोर्स में आए थे 93 में। अब क्या था कि स्टेट्स जो है वो तो अपने रूल्स, मतलब लॉस को बनाने के लिए जो है मतलब लॉस को खुद बना सकते हैं जो कि स्टेट लिस्ट में होंगे। और हमें याद है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं उनको स्टेट लिस्ट में डाला था, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो अमेंडमेंट्स आए तो स्टेट्स को जो है अपने अकॉर्डिंग कुछ जो है डिसीजंस को चेंज करने पड़े ताकि जो है यूनिफॉर्मिटी हो सके इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो उनको जो है 1 साल का टाइम दिया गया कि जितने भी नेसेसरी चेंजेस करने हैं वो इन अमेंडमेंट्स को देखते हुए किए जाए स्टेट्स के द्वारा, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे पूरे कंट्री में, ठीक है। तो 1992 में पास किया गया, 93 में फोर्स में आया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट है रूरल के लिए, 74th अमेंडमेंट एक्ट है अर्बन के लिए। रूरल हो गया पंचायती राज, अर्बन हो गया नगर पालिका। स्टेट्स को 1 साल का टाइम दिया गया था कि जो भी नेसेसरी चेंजेस करने हैं वो आप अपनी स्टेट लॉस में कर सकते हैं इन अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एक देख लेते हैं जहाँ पे इस बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि स्ट्रांग है लोकल गवर्नमेंट, और वो केस है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया लोकल गवर्नमेंट्स पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राज़ील ने जो है स्टेट्स को क्रिएट किया है, फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स एंड म्यूनसिपल काउंसिल्स को क्रिएट किया है, और इन सब के पास जो अपना इंडिपेंडेंट पावर्स है। जैसे ये वैसा ही है जैसे रिपब्लिक स्टेट्स के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, स्टेट्स जो है इन म्यूनसिपल काउंसिल्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उनका जो प्रोविजन है वो जो है प्रोटेक्ट करता है लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को, और इसलिए ब्राज़ील में जो है लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, फंक्शन कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जिसकी वजह से जो है पंचायती राज का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो जितने भी स्टेट्स थे उसमें एक यूनिफॉर्म 3 टीयर पंचायती राज स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश कर दिया गया था। वो 3 टीयर में सबसे पहला आता था जो कि था ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम मतलब होता है विलेज, विलेज का पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत जो है विलेज को कवर करता था। फिर उसके ऊपर आता था मंडल, या फिर आप कह सकते हैं ब्लॉक, ठीक है। ये जो है एक ब्लॉक लेवल पे जो भी फंक्शंस होता था बॉडीज उन फंक्शंस को ब्लॉक लेवल पे देखती थी।
और इसके सबसे ऊपर आता था जिला पंचायत। जिला मतलब एक डिस्ट्रिक्ट होता है, तो एक डिस्ट्रिक्ट जो कि पूरा रूरल एरिया को, वैसा डिस्ट्रिक्ट जो उस पूरे रूरल एरिया को कवर कर रहा है वो हो गया था जिला पंचायत। तो विलेज लेवल पे, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत हुआ, फिर उसके ऊपर आता था ब्लॉक, तो हो गया ब्लॉक मंडल, और उसके ऊपर आता था जिला पंचायत जो कि डिस्ट्रिक्ट एरिया पे होता था। तो इस तरीके से 3 टीयर पंचायती राज स्ट्रक्चर था। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे देखता था, मंडल ब्लॉक लेवल पे, एंड जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखता है। ठीक है, अब इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा हो गया ये, मतलब ये जो पूरा हो गया ये ग्राम सभा हो गया, ये क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंडेटरी है, और जो भी लोग वोट करने के एलिजिबल है, जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं, वो जो है वोट करेंगे, और इनका जो रोल और फंक्शंस है ये उनके स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेंगे। तो जो भी विलेज होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी ब्लॉक होगा, जिस भी स्टेट के अंदर होगा, उनका फंक्शंस और रोल स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। और ये जो ग्राम सभा है, इसका बनना जो है ये इम्पॉर्टेंट भी है एंड मैंडेटरी भी है। तो जितने भी लोग रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो लोग जो है वोट करेंगे। और ये 3 टीयर होता है, जिसमें विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे मंडल, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ, जो इलेक्शंस हो गए उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आ गई, क्योंकि इस एक्ट के पहले क्या होता था, पहले तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे, और अगर डिसॉल्व हो जाए बॉडी, ठीक है, तो उसके बाद इमीडिएट इलेक्शंस का कोई प्रोविजन भी नहीं था, मतलब उसके बाद चाहे तो कभी वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि एक टर्म फिक्स कर दिया गया 5 ईयर्स का, कि एक बार जो ग्राम सभा बनेगी तो 5 ईयर्स तक चलेगी, और जो है डायरेक्टली लोग उसमें वोट करेंगे। और अगर किसी वजह से जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसॉल्व कर भी देती है, तो 6 मंथ्स के अंदर जो है फिर से फ्रेश इलेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई प्रोविजन ही नहीं था, अगर डिसॉल्व हो गया तो कोई पता नहीं कब बनेगा, लेकिन अब क्या है कि 5 ईयर्स का टर्म हो गया, और अगर डिसॉल्व हो गया तो विद इन 6 मंथ्स आपको फिर से फ्रेश इलेक्शंस करवाना पड़ेगा। अगर बात करें रिजर्वेशंस के बारे में, तो आप सब में से बहुत को पता होगा कि जो पंचायती लेवल है उसमें 1/3 जो पोजीशन है वो रिजर्व रखा गया है वुमेन के लिए। ठीक है, ये सिर्फ इकलौता यही जगह है जहाँ पे 1/3 ऑफ द पोजीशन वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए भी रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और स्टेट्स को अगर लगता है कि नेसेसरी है तो बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन दे सकते हैं। अब जो ये रिजर्वेशन हैं ये सिर्फ मेंबर्स के लिए नहीं है, जो चेयरपर्सन या अध्यक्ष हैं उनके लिए भी है, और ये तीनों लेवल पे है, मतलब कि जिला पे भी, ब्लॉक पे भी, एंड पंचायत पे भी। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन है, एक तो ये मेंबर्स के लिए और चेयरपर्सन के लिए हैं। ऊपर से जो 1/3 वाला कैटेगरी है उसमें जनरल कैटेगरी के लिए भी 1/3 है, और जो रिजर्व स्टेटस है उनके लिए भी 1/3 है। तो अगर मान लीजिए कि 50% जनरल है, 50% रिजर्व है, तो 50% का 1/3 वुमेन होगी, और 50% जो रिजर्व है उसमें भी 1/3 वुमेन होगी। ठीक है, तो रिजर्वेशंस में आ गया कि 1/3 वुमेन के लिए है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, और अगर ओबीसी अगर ज़रूरत लगता है स्टेट को तो ओबीसी के लिए भी है, और रिजर्वेशंस अप्लाई करता है मेंबर्स के लिए भी और चेयरपर्सन के लिए भी। तो हमने ये जाना था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो लोकल गवर्नमेंट का फंक्शंस था वो स्टेट लिस्ट में था। फिर हमने ये देखा था कि जब अमेंडमेंट हुआ तो स्टेट को बोला गया कि जो भी आपको चेंजेस नेसेसरी करने हैं तो वो आप 1 साल के अंदर कर दीजिए। तो स्टेट लिस्ट के जो 29 सब्जेक्ट्स थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया था इन लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, और इसको लिखा गया था 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोग बात कर रहे हैं पंचायती लेवल की, मतलब रूरल एरिया रूरल लोकल गवर्नमेंट पे। जो 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो होगा अर्बन के लिए, मतलब म्यूनसिपैलिटीज के लिए। ठीक है, तो फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 29 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट में जो पहले थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको ट्रांसफर करने के लिए बोला गया था इन लोकल गवर्नमेंट्स पे। अब जो स्टेट के गवर्नमेंट्स हैं उनके पास ये पावर है, वो स्टेट डिसाइड करेगा कि इन 29 सब्जेक्ट्स में से किस किस को ट्रांसफर करना है लोकल बॉडीज में। ठीक है, इन 29 सब्जेक्ट्स को
आइडेंटिफाई किया गया और 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। और स्टेट के पास ये पावर है कि किसके सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करना है लोकल बॉडीज में, और ये आर्टिकल 243 जी में मेंशन है कि पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत ये जो है डिसाइड करेगा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, और वो उन्हीं सब्जेक्ट्स पे करेगा जो कि लिस्टेड है 11th शेड्यूल पे। मतलब जो पावर्स अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत है, ठीक है, वो जो स्टेट्स है वो डिसाइड करेंगे, और वो स्टेट्स उन 29 सब्जेक्ट्स पे ही मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि मेंशन है 11th शेड्यूल पे, ठीक है। अब जो 1993 में जो इफेक्ट में आया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये आदिवासी पॉपुलेशन पे नहीं था उस टाइम लागू। अब आदिवासी पॉपुलेशन के एरिया में जो है पहले क्या गया था कि उनको खुद से छूट दे दी गई थी कि आप जिस तरीके से अपने रिसोर्सेज मतलब कि फॉरेस्ट वाटर को यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन फिर 1996 में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन पंचायत को जो है और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया इनके पावर्स का, प्रोविजन का, और इन एरियाज में भी रखा गया। लेकिन ये बताया गया कि जिस तरीके से वहाँ के लोग चाहेंगे, मतलब आदिवासी एरिया के लोग मतलब आदिवासी कम्युनिटी के लोग जैसा चाहेंगे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना, ये जो है लोकल गवर्नमेंट उसी तरीके से काम करेंगी ताकि एक्सेप्टेबल हो उनके लिए भी, ठीक है। तो आदिवासी कम्युनिटी जैसा चाहेगी वो वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट को रख दिया गया ताकि उन पे भी सही तरीके से फोकस बनाया जा सके। ये इसलिए किया गया है ताकि डाइवर्सिटी को हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें और डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके, ठीक है। अब जो इनका इलेक्शंस होगा उसको देखने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं आएगा, इसको देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है इन पंचायती राज के इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन भी एक ऑटोनॉमस है, ठीक है। तो ना ही स्टेट इलेक्शन कमीशन लिंक्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है, और ना ही उसके अंडर है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर है जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का बस यही काम है कि पंचायती इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन सही तरीके से करवा सके। अब हम लोग बात करते हैं फंडिंग के बारे में भी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करे हर 5 ईयर्स में, ठीक है। जैसे जो है इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया था इलेक्शंस को देखने के लिए, फाइनेंस को देखने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट को देखे। तो एक तरफ ये स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यूज का डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, और दूसरी तरफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स का भी देखता है। ये इसलिए किया गया है ताकि जो है कभी भी ज़्यादा डिस्प्यूट आए नहीं लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का अपॉइंट करती है हर 5 ईयर्स में, ताकि जो है रिव्यू किया जा सके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, एक हो गया स्टेट एंड लोकल के बीच में, एक हो गया रूरल एंड अर्बन के बीच में। तो जैसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो मैंने बताया था रूरल एरियाज के लिए, उसी तरह 74th अमेंडमेंट एक्ट भी सेम है, बस इसका फर्क ये है कि है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है, मतलब नगर पालिका से ही है। वो 73rd पंचायती था, 74th नगर पालिका से है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क यह है कि 73rd अप्लाई होता है रूरल एरियाज में, 74th अप्लाई होता है अर्बन एरियाज में। 73rd का जो कह सकते हैं लिस्ट है वो 11th शेड्यूल में मेंशन है, 74th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो मतलब 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो लिस्ट बनाई गई थी वो 12th शेड्यूल में मेंशन है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें सेम है, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्शंस होने हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होने हैं, रिजर्वेशंस होने हैं, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, और स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। अब जो सेंसस ऑफ इंडिया है उसमें अर्बन एरियाज को डिफाइन किया कि उसके लिए 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन कम से कम 5000 होना चाहिए, मिनिमम 5000 पॉपुलेशन उस एरिया में होना चाहिए। फिर जो डेंसिटी है वो होना चाहिए कम से कम 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम से कम 75% नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होना चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर में नहीं बाकी जो भी जॉब्स हैं
उसमें होना चाहिए 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन। तो ये तीन क्राइटेरिया अगर पूरा होता है तो वो एक अर्बन एरिया है। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है, अगर वहाँ की डेंसिटी 400% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, और कम से कम वहाँ पे जो मेल वर्किंग 75% है वो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में होंगे, तब वो जाके अर्बन एरिया है। तो वहाँ पर नगर पालिका बनेंगी। इसकी जो फंक्शंस है वो बिल्कुल 73rd की तरह ही है, बस ये अर्बन एरिया पे होता है और इसका जो ट्रांसफर ऑफ लिस्ट है ये 12th शेड्यूल में मेंशनड है। ओके, तो हमने देखा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स जो है 1992 में पास किए गए, 93 में जो है ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट भी हो गए, और 96 में आदिवासी एरियाज में भी पहुंच गए। तो फिर इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका क्या क्या रिजल्ट्स है? तो बहुत सारे स्टेट्स में जो है आज के टाइम में 2 से 3 बार इलेक्शंस भी हो चुके हैं, जिसका मतलब इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर आज के टाइम में वहाँ पे जो हमारा 3-tier पंचायती सिस्टम है दोनों जगह, तो ज़िला पंचायत, ब्लॉक लेवल इंटरमीडियरी पंचायत एंड ग्राम पंचायत हो गया, फिर अर्बन में कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपैलिटीज एंड नगर पंचायत। तो ज़िला पंचायत जो कि होता है एक डिस्ट्रिक्ट में वो हो गया 500, यहाँ पे 500 पंचायत हैं, फिर 6000 इंटरमीडियरीज पंचायत हैं, मतलब ब्लॉक लेवल पे 6000 पंचायत हैं, और ग्राम पंचायत विलेज एरिया विलेज लेवल पे 250,000 पंचायत हैं। उसके अलावा कॉरपोरेशंस पे 100 सिटी कॉरपोरेशंस हैं, 1400 टाउन म्यूनसिपैलिटीज हैं एंड 2000 नगर पंचायत हैं अर्बन एरियाज में। तो इस इन सबको हिसाब से देखा जाए तो ये सब सिर्फ पंचायत की बात करें, उनके मेंबर्स को भी अगर लें तो हर इलेक्शंस में 32 लाख मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है इन बॉडीज के द्वारा, ठीक है, और उसमें से कम 10 लाख जो है वो वुमेन है। तो जो रिजर्वेशन है उसका भी सही तरीके से हुआ, इलेक्शंस भी सही तरीके से हो रहा है, और इतने सारे मेंबर्स होने की वजह से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब जिनको हम लोग चुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो पीपल्स पार्टिसिपेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और अगर हम लोग वुमेन्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो 200 वुमेन अध्यक्ष जो हैं वो ज़िला पंचायत हैं, फिर उसके अलावा 200 वुमेन जो हैं जो कि प्रेसिडेंट है ब्लॉक और मतलब कि इंटरमीडिएट पंचायत में, और 80,000 वुमेन सरपंच है ग्राम पंचायत में। मतलब जो 3-tier पंचायती सिस्टम है वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन या 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, और वहाँ पे भी वुमेन जो है अच्छी खासी अध्यक्ष पंचायत लेवल पे बन रही हैं। और ये सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं अर्बन एरियाज में भी है, क्योंकि वुमेन जो है कम से कम आज के टाइम पे 30 mayors है कॉरपोरेशन में, ओवर 500 वुमेन है अध्यक्ष इन टाउन म्यूनसिपैलिटीज, और 650 नगर पंचायत भी है वुमेन पे। तो हम लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे वुमेन का जो रोल है कंट्रोल का, पावर का, ये हमारे सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, और ये जो है ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन को और बढ़ाता है, बल्कि ये जो है प्रोत्साहन करता है बाकी वुमेन को भी कि वो लोग भी जो है पॉलिटिक्स में आ सकते हैं और चेंज ला सकते हैं अपने कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई वुमेन का। इसके अलावा जो बाकी रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में, ये भी जो है अच्छी तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि लोकल गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे हमारे कंट्री में 16.2% शेड्यूल कास्ट के पीपल हैं एंड 8.2% शेड्यूल ट्राइब में, और अराउंड 6.6 लाख इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो कि इन दोनों कम्युनिटीज का जो है मतलब रिप्रेजेंट करते हैं इन लोकल एंड अर्बन बॉडीज में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स में जो है रिजर्व रखे हैं बैकवर्ड कास्ट के लिए भी सीट्स, ठीक है। तो ये जब रिजर्वेशंस होता है और इन जो आप कह सकते हो डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ आते हैं, कभी कभार टेंशन हो जाता है, लेकिन ये टेंशन जो है ये बुरा नहीं है, क्योंकि ये टेंशन आप कह सकते हो पॉजिटिव टेंशन है, क्योंकि ये इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो जितना भी कोई भी अगर पावर होता है, कोई भी काम होता है, तो सारे लोगों को देख के ही होता है, तब जाके सही तरीके से डेमोक्रेसी का आप कह सकते हो कि अचीवमेंट होता है। तो हमने देखा जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें इलेक्शंस अच्छी तरीके से हो रहा है, रिप्रेजेंटेशंस भी अच्छी तरीके से हो रहा है, लेकिन जो काम करने का हो रहा है वो अच्छी तरीके से उतना परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, फंक्शंस उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं। वो इसका रीज़न ये भी बताया गया है कि जो स्टेट लेवल है उन्होंने से मतलब सारे सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र नहीं किया लोकल बॉडीज़ में, और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास ना ही प्रॉपर वेलफेयर प्रोग्राम्स का पावर है, ना रिसोर्सेज का पावर है, ना फंड्स का पावर है। और इसमें ये भी बताया गया जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट है उसमें सिर्फ
जो टोटल रेवेन्यूज रेज होता है वो सिर्फ 0.2% 2-4% ही रेज कर पाते हैं लोकल बॉडीज़, और उन लोकल बॉडीज़ का जो खर्च होता है वो 4% होता है पूरे स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसमें हम लोग ये देखने को मिलता है कि उतना ज़्यादा वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा है नहीं, लेकिन उनको खर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इस डिपेंडेंसी की वजह से जो है अच्छी तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें ये बात को भूलना नहीं चाहिए कि जो मेन मकसद था इस लोकल गवर्नमेंट का वो ये था कि हम लोग डिसेंट्रलाइज कर सकें और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे जुड़ सकें, ताकि वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो उस तरीके से हो सके और सही तरीके से हो सके, इसलिए इसको किया गया था। हाँ, माना माना कि जो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं हो पाते हैं, वो नहीं हो पाते, लेकिन ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट को चुनते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें जो है उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए जो कि सही में हमारे लिए काम करने के लिए है, ना कि फेक प्रोमिसेस पे, ठीक है। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग चुनेंगे तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पा रहे ठीक से, वो आने धीरे धीरे होने लगेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको एक चैप्टर क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।